दिखाने जा रहा हूँ। मेरे पास बहुत ही हैवी इसका बम्पर फ्रूटिंग आया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये है एक और इसमें मेरा 17 फ्रूट लगा हुआ था, इनमें से मैंने तोड़ ली है। अभी भी 5 फ्रूट इस पौधे में लगा हुआ है। ये का पौधा बोगनविलिया का पौधा देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अभी फूल इस पौधे में खिला हुआ है। ये है बोगनविलिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ घूम के, देखिए बहुत सारा बेर अभी इस पौधे में लगा हुआ है, इतना फ्रूट आया हुआ है इसका। दोस्तों साइज अभी भी बहुत बड़ा होगा। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरे टेरेस गार्डन का ओवरव्यू, कौन सा प्लांट मेरे छत के ऊपर लगा हुआ है। आज सभी प्लांट को लेकर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कौन सा प्लांट पर मेरा अभी फ्रूट चल रहा है और किस में अभी फ्लावर आने वाला है और कौन सा प्लांट में अभी मेरा फ्रूट मैच्योर हो चुका है। दोस्तों मेरे छत के ऊपर फल, सब्जी और फूल तीनों ही तरह का पौधा लगा हुआ है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजा और आप देख रहे हैं एमआर के ग्रीन गार्डन यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। जैसे कि दोस्तों आज मैं आपको पहला प्लांट दिखाने जा रहा हूँ, तो मैं एक साइड से वीडियो को कवर करता हूँ। तो यहाँ पर आप इधर देखिए, यहाँ मेरा कुछ पत्ता बाहर का पौधा लगा हुआ है, इधर यहाँ पर भी एक पत्ता बाहर का पौधा लगा हुआ है, यहाँ पर मेरा एलोवेरा का पौधा लगा हुआ है, देख सकते हैं बहुत ही मोटा हो गया है और एलोवेरा के पौधे में अभी फूल भी आया हुआ है। दोस्तों ये तो मैंने पहली बार देखा है कि एलोवेरा के पौधे में फूल भी आता है। ये है इधर पोनसेटिया का पौधा और इसको बोला जाता है कोलियस। और दोस्तों उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मेरा एक मिर्ची का पौधा लगा हुआ है, लेकिन नाम तो पता नहीं है मिर्ची का, लेकिन इसमें बहुत बड़ा सा एक मिर्ची भी लगा हुआ है, हरी मिर्च। उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर मेरा इस 20 लीटर के पानी के डिब्बे में लगा हुआ है मौसम्बी का पौधा, जैसे कि देख सकते हैं जनवरी फरवरी में जाकर इस पौधे में मुझे फूल और फल भी मिलेंगे। देखिए ये है मौसम्बी का पौधा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ नेक्स्ट, ये भी पौधा मेरा एक 20 लीटर के पानी के डिब्बे में लगा हुआ है। ये है दार्जिलिंग ऑरेंज का पौधा, देखिए इस बार इसमें फ्रूट भी आया था, इस बार फिर मुझे बहुत सारा फ्रूट देखने को मिलेगा। ये है दार्जिलिंग ऑरेंज का पौधा, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा पौधा है। इधर एक मेरा लगा हुआ है बारीवान मौसम्बी का पौधा, ये भी एक 20 लीटर के पानी के डिब्बे में लगा हुआ है। दोस्तों ज़्यादातर जो मेरा पौधा लगा हुआ है मेरा 20 लीटर के पानी के डिब्बे में ही लगा हुआ है। मैं 20 लीटर के पानी के डिब्बा का इस्तेमाल इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे मेरे पास ये 20 लीटर का डिब्बा बहुत ही आसानी के साथ अवेलेबल हो जाता है और इसका कॉस्टिंग भी मुझे बहुत ही कम पड़ता है। इसमें कम से कम 20 से 25 किलो मिट्टी आ जाता है बहुत ही आसानी के साथ और ये मुझे 15 से 20 रुपए में मिल जाता है। अगर आपके आसपास भी कोई पानी का फैक्ट्री हो जहाँ से पानी आता है आपके घर में, वहाँ से आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिएगा तो आपको ऐसा ही 20 लीटर वाला पानी का डिब्बा फटाफुराना बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएगा। यहाँ पर है एक दोस्तों पंजाब माल्टा का पौधा, जो जिसको बोलता है पंजाब मौसम्बी, जैसे कि आप देख सकते हैं यह है एक पंजाब मौसम्बी का पौधा, ये भी 20 लीटर के पानी के डिब्बे में लगा हुआ है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये है मिशोरियो एलो माल्टा का पौधा, मिशोरियो मौसम्बी जिसको बोला जाता है, यह है मिशोरियो माल्टा का पौधा। और नेक्स्ट मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ ये है मेरे पास छतों की ऑरेंज, इसका दोस्तों ऑरेंज बहुत ही मीठा होता है, संतरा का ये पौधा है। दोस्तों ये जो वैरायटी मैं आप लोगों का भी दिखा रहा हूँ, या आप इंडिया में किसी भी जगह पर इस पौधे का प्लांटेशन करेंगे तो आपको इसका फ्रूट मीठा ही मिलेगा आपको दोस्तों, खट्टा नहीं मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये है छतों की ऑरेंज का पौधा, जितना भी पौधा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये पूरा का पौधा, पूरा पौधा आप इंडिया के कहीं भी लगाएंगे किसी भी मौसम में किसी भी वेदर में दोस्तों इसका फ्रूट आपको मीठा ही मिलेगा। ये है बारीवान मौसम्बी, जैसे कि देख सकते हैं बहुत बड़ा पौधा हो गया है।
ये है बारीवान मौसम्बी का पौधा। इसमें मेरा इस बार 12 से 13 फ्रूट मुझे मिले थे, बहुत ही बड़ा पौधा हो गया है। और यहाँ पर एक मेरा पौधा लगा हुआ देख सकते हैं, ये है पाकिस्तानी माल्टा का पौधा। और एक पाकिस्तानी ऑरेंज है, ये भी है मेरे पास। और ये है एक मेरे पास पौधा, इसका तो मुझे नाम पता नहीं है, लेकिन ऐसे ही मैंने मार्केट से ख़रीद लिया था। और इधर है एक मेरे पास छोटा सा पौधा चाइनीज़ ऑरेंज का, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है चाइनीज़ ऑरेंज। इसमें फूल भी अभी बहुत सारा आया हुआ है और एक तरफ फ्रूट भी लगा हुआ है। छोटा सा पौधा है, 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है। देखिए ये है चाइनीज़ ऑरेंज का पौधा, बहुत ही छोटा पौधा है। और ये है मेरे पास एक कागजी लेमन का पौधा, और ये है एक सीडलेस लेमन का पौधा, और ये है एक पाती लेमन का पौधा, जिसको बंगाली में पाती लेमन कहता है, और हिंदी में तो मुझे इसका नाम पता नहीं है। दोस्तों मैं वेस्ट बंगाल से उत्तर दिनाजपुर से हूँ। देखिए ये है मेरे पास, और ये नींबू का पौधा है मेरे पास, जिसमें अभी बहुत सारा फ्रूटिंग भी आया हुआ था। 3 अभी भी मेरे इस पौधे में अभी बचा हुआ है। देखिए ये है नींबू का पौधा। उसके बाद जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ एप्पल बेर का पौधा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले पौधे में मेरा बहुत ही ज़्यादा तो एप्पल बेर नहीं आया है। और आगे जाकर मैं आपको एक एप्पल बेर का पौधा दिखाने वाला हूँ, इसमें 10 से 15 केजी फ्रूट अभी मेरे एप्पल बेर के पौधे में आया हुआ है। उसके बाद जो मैं आपको ये फ्रूट का पौधा दिखाने जा रहा हूँ, ये है इंडियन मौसम्बी का पौधा, जो कि बहुत ही मीठा होता है खाने में। देखिए ये अभी इसका अभी कलर आने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। देखिए ये पौधा भी ये 20 लीटर के पानी के डिब्बे में लगा हुआ है, और इसमें मेरा 17 फ्रूट लगा हुआ था, इनमें से मैंने तोड़ ली है अभी। अभी भी 5 फ्रूट इस पौधे में लगा हुआ है। ये है इंडियन मौसम्बी का पौधा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये भी जो पौधा है, इंडिया के किसी भी वेदर में ये इसका फल मीठा ही होगा। दोस्तों ये एक 12-मासी ऑल टाइम वेराइटी होता है। इसका ये एक और पौधा है मेरे पास, इसमें उसमें अभी फूल आया हुआ है। इसमें अभी देखिए 5 फ्रूट अभी भी लगा हुआ है। ये जो पौधा है मेरे पास, ये एक लेमन का पौधा है, और लेमन का कलर पूरा ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन खट्टा होता है, ऑरेंज नहीं है, लेमन ही है, बट इसका कलर ऑरेंज कलर का होता है। उसके बाद जो मैं दिखा रहा हूँ, ये है मेरे छत के ऊपर लगा हुआ ड्रैगन फ्रूट, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस बार मेरे छत के ऊपर से मुझे कम से कम 20 किलो ड्रैगन फ्रूट मिला था। वीडियो भी मैं आप स्क्रीन में लगा दूंगा, देख लीजिएगा। देखिए ये है ड्रैगन फ्रूट, इसका अभी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ इस महीने में चल रहा है, न्यू ब्रांच निकल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर सभी के सभी पौधे में न्यू ब्रांच अभी निकल रहा है। यह है ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट भी मेरा 20 लीटर के पानी के डिब्बे में ही लगा हुआ है, देख सकते हैं इधर। और इसमें 2 पौधा प्लास्टिक के कैरेट में लगा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा बाल्टी है 10 लीटर का, और सभी का सभी पौधा 20 लीटर के पानी के डिब्बे में ही लगा हुआ है। इसका ग्रोथ अभी बहुत ही अच्छा चल रहा है। देखिए इधर कुछ फूल का पौधा भी लगा हुआ है, देख सकते हैं। इधर एक वाइट बोगनविलिया है, उधर रोज का पौधा है, और उधर एक्जोरा का पौधा लगा हुआ है, देख सकते हैं इधर। यहाँ से इधर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ फूल का पौधा, बोगनविलिया का पौधा, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अभी फूल इस पौधे में खिला हुआ है। यह है बोगनविलिया का पौधा, देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, छत के ऊपर लगा हुआ है। यह भी पौधा 20 लीटर के पानी के डिब्बे में ही लगा हुआ है। दोस्तों 20 लीटर के पानी के डिब्बे में पौधा बहुत ही आसानी से अच्छा ग्रोथ ले लेता है। इसमें कोई दोस्तों ऐसा रूट में उसको कोई दिक्कत नहीं आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही फूल अभी इस वाले पौधे में खिला हुआ है। यह है बोगनविलिया, यह भी एक बोगनविलिया का थोड़ा सा पिंकिश कलर का है। ये जो पौधा है मेरे पास, सभी का सभी पौधे का एज है 9 महीने का पौधा है, देख सकते हैं इधर। ये भी एक बोगनविलिया का पौधा है, इसमें रेड। दोस्तों ये जो वैरायटी है, इसमें ये पत्ता एक भी नहीं रहेगा, सभी के सभी फूल ही रहेंगे, देख सकते हैं इधर। उसके बाद जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये है मेरा चेरी का पौधा।
चेरी के पौधे में दोस्तों फ्रूट बहुत आया था, हमने तोड़ लिया है। देखिए अगर आप देखिए अभी भी इस पौधे में चेरी आ रहा है। देखिए दोस्तों चेरी के पौधे में 12 महीने आपको चेरी मिलेंगे, जैसे कि देख सकते हैं छोटा छोटा चेरी अभी इस पौधे में सेट हो गया है फ्रूट इसका, और फूल भी आ रहा है। फूल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये है चेरी के पौधे का फूल और ये है ये करौंदा का पौधा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है खट्टा करौंदा का पौधा और इधर लगा हुआ है एक मीठा करौंदा का पौधा। देखिए इसमें भी फ्रूट आया था लेकिन इसमें तो अभी फ्रूट हमने इसका हार्वेस्ट कर लिया है। देखिए ये है खट्टा करौंदा का पौधा और ये है ये मीठा इमली का पौधा। हमारे बंगाली में इसको बोलता है मिष्टी तेतुल। देखिए ये है एक इमली का पौधा, ये भी बहुत बड़ा हो गया है लेकिन इसमें फूल बहुत आया था, फ्रूट तो नहीं पकड़ पाया था। और दोस्तों उसके बाद जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है, हमारे गांव देहात में तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है लेकिन ये एक हाइब्रिड है, हाइब्रिड प्रजाति का पौधा है, जंगली जलेबी का पौधा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने बहुत ही आसानी के साथ इस पौधे को एक 20 लीटर के पानी के डिब्बा में लगाए रखे हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये है जंगली जलेबी का पौधा, इसमें बहुत ही ज़्यादा फूल अभी आ रहा है। इसका फ्रूट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जो दोस्तों जंगली वैरायटी होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है और ये जो हाइब्रिड प्रजाति का जंगली जलेबी है इसका पत्ता छोटा होता है लेकिन इसका फ्रूट बहुत ही मोटा होता है। आपको मैं दिखाऊँगा ये भी पौधा इसी 20 लीटर के पानी के डिब्बे में लगा हुआ है। यह है मलबेरी का पौधा, मलबेरी भी बहुत आया था तो इसका तो अभी सीज़न नहीं है मलबेरी का, देख सकते हैं यह है मलबेरी का पौधा। दोस्तों यह है सेब का पौधा, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। दोस्तों सेब का पौधा और इसका जात है HRMN 99, हरिमोन 99 भी बोलते हैं और HRMN 99 भी बोलते हैं। दोस्तों इसमें फूल आया था मेरा अगला बार लेकिन फ्रूट सेट नहीं हो पाया था। दोस्तों अगर आप अपेल का पौधा या सेब का पौधा लगाते हैं अपने छत के ऊपर या टेरेस के ऊपर किसी भी जगह गमले में, तो आपको थोड़ा सा इसका पॉट का साइज़ बड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि अपेल के पौधे में पानी का बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ज़रूरत होता है। अगर पानी 1 घंटा या 5 मिनट के लिए भी सेब के पौधे में कम पड़ जाए तो इसका पत्ता दोस्तों जल जाता है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं ये जो पत्ता अभी इधर जला हुआ है ये पानी की वजह से ही ऐसा इसका पत्ता है। पानी दोस्तों 2 मिनट के लिए भी इसको अगर कम मिल जाए तो ये पत्ता ये सेब के पौधे का पत्ता जल जाएगा। इधर मेरा बेल का पौधा लगा हुआ है, हाइब्रिड बेल, इसमें बेल भी आया था लेकिन हमने पहले वीडियो दोस्तों मैंने नहीं बनाया था, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसके बाद से मेरे जो भी पौधा में फ्रूट आएगा तो मैं आपको इसका वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा। तो मेरे चैनल के साथ आप बने ज़रूर रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यह है मेरे छत के ऊपर लगा हुआ एक पोनसेटिया का पौधा दोस्तों, और 1 महीने के अंदर इसका पत्ता पूरा रेड कलर का हो जाएगा और रेड और ग्रीन कलर का, देख सकते हैं अभी से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, आगे जाकर इसका पौधा और भी खूबसूरत लगेगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऑल टाइम वेराइटी का अमरूद का पौधा, जैसे कि देख सकते हैं इसको मैंने थाई सेवन के नाम पर ख़रीदा है। देखिए ये है अमरूद का पौधा, बहुत ही ज़्यादा इस पौधे में अमरूद अभी लगा हुआ है। देखिए ये जो अभी सफ़ेद कलर का कोई चीज़ आपको दिखाई पड़ रहा होगा इसको मैंने फंगीसाइड से स्प्रे किया था। देखिए बहुत ही ज़्यादा अमरूद दोस्तों, ये ऑल टाइम वेराइटी है। देखिए इधर अभी छोटा अमरूद लगा हुआ है, किसी तरफ फिर बड़ा है, कहीं कहीं से अभी फूल भी आ रहा है अमरूद के पौधे में। देखिए ये है छत के ऊपर लगा हुआ अमरूद का पौधा और ये है एक वाटर एप्पल का पौधा जिसको गुलाब जामुन भी कहते हैं और हमारे बंगाली में इसको जामरूल कहा जाता है। देखिए ये भी पौधा 20 लीटर के पानी के डिब्बे में लगा हुआ है दोस्तों, बहुत बड़ा पौधा हो गया है। देखिए आपको यकीन नहीं होगा कि 20 लीटर के पानी के डिब्बे में इतना पौधा, इतना बड़ा पौधा भी हो सकता है। देखिए तो इसी डिब्बे में इतना बड़ा पौधा हो जाता है, आपको यकीन नहीं होगा, बहुत
ही बड़ा पौधा हो जाता है। यह मेरे पास स्ट्रॉबेरी का पौधा, स्ट्रॉबेरी भी मेरे पास बहुत ज़्यादा आया था। अगला बार देखिए, इस बार भी मैंने 8-10 पौधे को इधर लगा के रखा है स्ट्रॉबेरी का। देखिए यह है स्ट्रॉबेरी का पौधा। और दोस्तों इधर मैंने बैंगन के पौधे को लगा के रखे हैं छत के ऊपर, जैसे कि देख सकते हैं इधर बैंगन भी आया हुआ है, इधर भी बैंगन आया हुआ है। देखिए हमने इसको कैरी बैग से कवर करके रखा हुआ है, क्योंकि कीड़ा वगैरह जो आता है इसको दोस्तों सुराख कर देते हैं। दोस्तों उसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बेर का पौधा, जैसे कि आप देख सकते हैं बेर दोस्तों बहुत ही बड़ा बेर है और छत के ऊपर लगा हुआ है एक फल के कैरेट में। देखिए इस वाला कैरेट में ये बेर का पौधा लगा हुआ है और कितना ज़्यादा फ्रूट अभी इस वाले पौधे में लगा हुआ है। देखिए दोस्तों ये एक ऑल टाइम वेराइटी है, मैं आपको इसका सबूत भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर बेर पक चुका है, यहाँ पर अभी बेर कच्चा है। देखिए इधर अभी बेर कच्चा है, इसमें अभी फूल भी आ रहा है। देखिए यहाँ से अभी फूल भी आ रहा है और छोटा छोटा बेर भी पकड़ रहा है, उसके बाद फूल भी आ रहा है। देखिए यहाँ से बेर पक चुका है, देखिए बहुत सारा बेर इस पौधे में लगा हुआ है। ये एक ऑल टाइम वेराइटी है, हर समय इस पौधे में बेर आपको मिलेगा, छोटा बड़ा मीडियम साइज का देख सकते हैं। ये है बेर का पौधा, बहुत ही ज़्यादा बेर इस पौधे में अभी लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ घूम के, देखिए बहुत सारा बेर अभी इस पौधे में लगा हुआ है। यह है बेर का पौधा। दोस्तों ये जो वैरायटी है ये मिस इंडिया के नाम से हमने खरीदा था, यह है बेर का पौधा। और दोस्तों उसके बाद जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ ये है नारियल बेर के नाम से हमने इसको खरीदा था, हमारे बंगाली में बोलता है नारकेल कुल। देखिए यह है नारियल बेर का पौधा, देख सकते हैं। दोस्तों बेर इंडिया के किसी भी जगह में बहुत ही आसानी के साथ हो जाता है। देखिए ये पौधा 20 लीटर के पानी के डिब्बे में लगा हुआ है और इसमें अभी फ्रूटिंग बहुत ही ज़्यादा आया हुआ है। देखिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग अभी इस वाले बेर के पौधे में आया हुआ है। और दोस्तों इसका जो बेर का जो कलर आएगा पूरा रेड हो जाएगा दोस्तों, इसका कलर सेब का जैसा कलर होता है सेम कलर इस बेर में आ जाएगा। देखिए ये है बेर का पौधा। दोस्तों उसके बाद जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये है अभी मेरे छत के ऊपर फ्रूट का पौधा। देखिए इसमें अभी फूल बहुत ही ज़्यादा आया हुआ है, ये है स्टार फ्रूट का पौधा। ये जो मेरा पौधा था एक 10 इंच के पॉट में लगा हुआ था, हमने इसको कल इस 18 इंच के ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया है। देखिए यह है स्टार फ्रूट का पौधा। देखिए इसमें हमने 3-4 बार इसका फ्रूट भी हार्वेस्ट कर लिया है, इसमें अभी फूल बहुत ही ज़्यादा आया हुआ है, देख सकते हैं। इधर है अरिका पाम, देखिए अरिका पाम का भी बहुत अच्छा है ग्रोथ। और उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ अनार का पौधा। दोस्तों अनार का पौधे का हालत मेरा कुछ ठीक नहीं है। इधर है ये एक मेरा चाइनीज़ ऑरेंज का पौधा, राम रोंगन वेराइटी का। देखिए चाइनीज़ ऑरेंज, ये है चाइनीज़ ऑरेंज का पौधा। और इधर है एक बारी वन माल्टा का पौधा, इधर है ये और भी मौसम्बी का पौधा, और इधर है ये किन्नू का पौधा। देखिए दोस्तों इस किन्नू के पौधे में मेरा 3-4 फ्रूट आया था, मैं इसका फ़ोटो भी आपको दे दूंगा आपके स्क्रीन पर। देखिए ये है किन्नू का पौधा। दोस्तों किन्नू का पौधा दोस्तों आसानी से किसी भी वेदर में, इंडिया के किसी भी जगह में बहुत आसानी से इसका दोस्तों फ्रूट हो जाता है और बहुत ही बड़ा फल होता है, बहुत ही मीठा होता है। देखिए ये है एक चाइनीज़ ऑरेंज का पौधा, इधर है चेरी टोमेटो का पौधा, देख सकते हैं हमने छत के ऊपर लगा कर रखा है। और इधर है एक मिर्च का पौधा जिसका कलर काला काला होता है, ब्लैक कलर का। देखिए और इधर एक मिर्च का पौधा है, ये है हरी मिर्च। और इधर है एक चेरी टोमेटो का पौधा, देख सकते हैं इसका फ्रूटिंग आप गुच्छे में आता है इसका फ्रूट। ये है चेरी टोमेटो का पौधा। और ये है कैप्सिकम, इसमें अभी शिमला मिर्च आया हुआ है। देखिए ये है शिमला मिर्च का पौधा। दोस्तों इसको देखकर अभी क्या लग रहा होगा आपको कि ये एक अंडा का पौधा है, लेकिन दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि ये अंडा का पौधा है, ये एक वाइट बैगन का पौधा है। इसमें आप थोड़ा सा फ्रूटिंग देखिए किस कदर इसमें फ्रूटिंग अभी आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। इधर अभी बहुत ज़्यादा छोटा छोटा बैगन भी
सेट हो गया है इसका फ्रूट। देखिए इसमें अभी कितना फ्रूट आया हुआ है। इसका दोस्तों साइज अभी भी बहुत बड़ा होगा, छोटा है अभी। देखिए इसका साइज भी अभी, यह है वाइट बैगन का पौधा, ये है पौधा 12x12 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है। देखिए ये है वाइट बैंगन, और इधर मेरा कुछ ऑरेंज का भी पौधा लगा हुआ है, संतरे का पौधा। देखिए ये है पाकिस्तानी ऑरेंज का छोटा पौधा, पाकिस्तानी ऑरेंज का मेरे पास और भी एक बड़ा पौधा है। देखिए दोस्तों ये है वाशिंगटन नाभेल का पौधा। उसके बाद जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मेरे पास बहुत ही हेवी इसका बम्पर फ्रूटिंग आया हुआ है। देखिए दोस्तों ये है एक चाइनीज़ ऑरेंज का पौधा। देखिए इसमें फ्रूटिंग आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ्रूट इस वाले पौधे में आया हुआ है। दोस्तों इस पौधे को लेकर मैं अभी एक डिटेल्स वीडियो मेरे चैनल पर आने वाला है कि किस वजह से इतना फ्रूट मेरे छत के ऊपर इस 20 लीटर के पानी के डिब्बे में आया हुआ है। देख सकते हैं आप कितना फ्रूट आया है, कितना ज़बरदस्त फ्रूटिंग इस वाले चाइनीस ऑरेंज में आया है। देखिए दोस्तों आपका दिल खुश हो जाएगा एक बार देखने के बाद कि पत्ते से ज़्यादा फ्रूट इस वाले पौधा में आया हुआ है। देखिए पत्ते से ज़्यादा फ्रूट आया है। देखिए इसका फ्रूट आप देखिए कि कितना गजब का लग रहा है छत के ऊपर। देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, खास करके इस वाले पौधे के लिए। आपको मैं पूरा का पूरा टिप्स बताने वाला हूँ, ऐसा आपको भी फ्रूट देखने को मिलेगा। दोस्तों उसके बाद जो मैं आपको पौधा दिखाने वाला हूँ, ये है चीकू का पौधा। बहुत बड़ा चीकू का पौधा हमने छत के ऊपर बना लिया है। देखिए ये है चीकू का पौधा, इसका रूट भी बाहर से दोस्तों दिखाई पड़ रहा है, चीकू भी आया हुआ है। देखिए ये है चीकू का पौधा छत के ऊपर मेरा, और इधर फूल भी अभी आ रहा है। ये एक बारहमासी वैरायटी का चीकू का पौधा है। दोस्तों चीकू आप बहुत ही आसानी से छत के ऊपर लगा सकते हैं। देखिए ये है चीकू का पौधा, बहुत ही आसानी से आप चीकू का पौधा छत के ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ऑरेंज का वैरायटी फिर से दिखा रहा हूँ। मेरे पास कम से कम 40 से 45 संतरे का वैरायटी है। देखिए ये है एक वियतनाम माल्टा का पौधा, वियतनाम मौसमी, जो साल में 3 से 4 बार मिलता है। देखिए ये है एक वियतनाम मौसमी का पौधा। ये है एक वाशिंगटन नाभेल का पौधा, जो ऑरेंज के पीछे एक नाभि का निशान रहता है। यह है डेकोपोन ऑरेंज, देख सकते हैं ये है मेरे छत पे लगा हुआ है डेकोपोन ऑरेंज। ये जो पौधा लगा हुआ है 12x12 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है। देखिए ये है नेट ऑरेंज। दोस्तों ये जो नेट ऑरेंज का पौधा है, इसमें गुच्छे में दोस्तों उसको इसका फ्रूट लगता है। देखिए ये है नेट ऑरेंज का पौधा, और ये है एक ऑल टाइम मैंगो का पौधा, जिसमें तो अभी फूल आया था, हमने इस फूल को तोड़ दिया है क्योंकि छोटा पौधा है। ये भी है एक मौसमी का पौधा, और ये भी है एक मौसमी का पौधा। ये है साउथ अफ्रीकन येलो मौसमी का पौधा, देखिए। और ये है एक दार्जिलिंग जाइंट ऑरेंज का पौधा, जिसका साइज कम से कम 300 से 400 ग्राम होता है ऑरेंज का पौधा। और ये एक हेयरलोम नाभेल ऑरेंज का पौधा, और ये है एक थाईटू ऑरेंज का पौधा, देख सकते हैं छोटा सा पौधा है। और ये है काड़ा काड़ा नाभेल का पौधा दोस्तों, जो अंदर से पूरा रेड कलर का आपको दिखाई पड़ेगा काटने के बाद। ये है काड़ा काड़ा नाभेल ऑरेंज का पौधा, इसका फ़ोटो भी मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कलर पूरा रेड कलर का होता है। और है ये एक पाकिस्तानी ऑरेंज का पौधा, देखिए ये है पाकिस्तानी ऑरेंज का पौधा, बहुत बड़ा पौधा है, इसमें से मुझे इंसान फ्रूट देखने को मिलेगा। और ये है एक छतों की ऑरेंज का पौधा, और ये है एक लेमन का पौधा दोस्तों। इस लेमन को मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था, लेकिन इसमें अभी क्या होता है क्या नहीं होता है बाद में फिर देखा जाएगा। ये है एक सैंगुलिन येलो ऑरेंज का पौधा, ये है भी एक ब्लड ऑरेंज का पौधा है, जिसमें इस ऑरेंज का अंदर लाल कलर का होता है। देखिए दोस्तों ये था मेरे छत के ऊपर का सारा ओवरव्यू, जो मैं एक वीडियो में आपको दिखा दिया। जैसे कि देख सकते हैं वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो लास्ट में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सारा आपको थैंक यू मैं करता हूँ। देखिए ये है
पूरा मेरा टेरेस गार्डन का ओवरव्यू। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए तो आगे जाकर भी मैं ये कि एक प्लांट को लेकर वीडियो देने वाला हूँ। ऐसा आपको अगर आप ऐसा ही पौधा ख़रीदना चाहते हैं तो ऐसा ही पौधा आपको कैसे मिलेगा तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मैं आपको पौधे के बारे में भी बता दूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गार्डनिंग करते रहिए और खुश रहिए।